अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? इंशाल्लाह ताला आप सब लोग ठीक होंगे, अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे और अपने घरों में हंसता बसता रखे। तो ये कल का मेरा व्लॉग है और मैं जा रही हूँ मनाल की PTM अटेंड करने। ये मॉर्निंग का टाइम है, मतलब 10:15 बजे का टाइम है। आज दिन बहुत अच्छा निकला हुआ है, बहुत अच्छी धूप है और क्योंकि ठंड आ गई है ना तो धूप बहुत अच्छी लगती है। फिर मुझे धूप सेकना बड़ा अच्छा लगता है सर्दियों में। मुझे वैसे सर्दी भी बहुत लगती है और गर्मी भी बहुत लगती है। तो मैंने आज ये वाला ड्रेस पहना हुआ था, ब्लैक और ऐसे ग्रीन ब्राउन टाइप की शर्ट है सिल्क की, और ऊपर मैंने शॉल ले ली थी ब्राउन कलर में। तो अभी हम स्कूल में आ चुके हैं मनाल, क्योंकि अब सीनियर ब्रांच में आ चुकी है। तो ये है कि उसकी बहुत सारी चीज़ें थीं जो टीचर से डिस्कस करनी थी, क्योंकि मैं ही मनाल को पढ़ाती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा फिर हर चीज़ का फिर ध्यान रखना होता है। जब आप बच्चे को पढ़ा रहे होते हैं तो फिर हर एक चीज़ आप पर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि अच्छे मार्क्स आए हैं तो ज़ाहिर है वो भी फिर माँ को क्रेडिट जाता है, और बुरे हैं तो भी माँ को क्रेडिट जाता है। तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा अपने हस्बैंड से इस मामले में बहुत ज़्यादा डरती हूँ। तो बहरहाल अभी हम लोग घर आ रहे थे तो रास्ते में पड़ती है सब्ज़ी की शॉप, तो सब्ज़ी जो है ना लेने के लिए हम रुक गए। यहाँ बहुत बड़ी शॉप है, यहाँ पे फ्रूट्स वाले भी यहीं पे हैं और गोश्त वाले भी यहीं पे हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ से सब्ज़ी ख़रीदना, क्योंकि हर चीज़ यहाँ से मिल जाती है। तो जनाब अभी मैं कर रही हूँ अपनी लंच की तैयारी, तो मैंने उसके लिए आलू बॉयल करने के लिए रख दी हैं। आज मैं बना रही हूँ आलू वाले शामी, और साथ में मैं पुलाव बनाऊँगी। तो वो चिकन वाला पुलाव है, यहाँ पे भुन रहा है चिकन, और आलू जो है ना वो बिल्कुल बॉयल हो चुके हैं। तो इसमें जो है ना मैं सारे स्पाइसेस डाल दूँगी, वही नमक मिर्च हल्दी और 2-3 चीज़ें एक्स्ट्रा मैंने इसमें डाली हैं, जैसे थोड़ी सी काली मिर्च मैंने इसमें डाली है, भुना कुटा धनिया और ज़ीरा मैंने भून के और कूट के दरदरा सा कूट के वो मैंने रखा हुआ है, तो वो मैं इसमें डाल दिया मैंने। और फ्रूट चाट मसाला रखा था मैंने, थोड़ा सा वो भी डाल दिया है। और इसमें सब्ज़ धनिया मिर्चें और छोटी छोटी प्याज जो है ना वो भी मैंने इसमें डाल दी है। और मुझे मैश करने वाला अक्सर ही नहीं मिलता, तो इसलिए मैं ये जो डंडा है इसी से ही काम चला लेती हूँ, और इससे मुझे लगता है कि ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। आलू बिल्कुल पिस से जाते हैं ना तो इससे ज़्यादा अच्छा, ऐसे थोड़ी सा लेस सा आ जाता है कूटने से, तो मुझे लगता है कि इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आप लोग ट्राई कीजिएगा, मुझे ऐसे लगता है कि इससे ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है थोड़ी सी, क्योंकि लेस सी आ जाती है ना। तो बस इसी में ही मैं कूट रही हूँ और इसके बना लूँगी मैं शामी और फ्राई कर लूँगी। आजकल आलू जो है ना नया आया हुआ है, महंगा भी तो बहुत है लेकिन अच्छा भी बहुत है। 60 रुपये KG मुझे आलू मिले हैं। आजकल हर कोई रोनर हो रहा है कि सब्ज़ियाँ बहुत ज़्यादा महंगी हो चुकी हैं। वाकई बहुत ज़्यादा सब्ज़ी महंगी हो चुकी है। मैंने थोड़ी सी सब्ज़ियाँ ली हैं लेकिन वो मुझे 1300 रुपये में मिली हैं। वाकई हर चीज़ बहुत ज़्यादा महंगी हो चुकी है, लेकिन अब क्या करें, सब्ज़ी लेनी तो है, मजबूरी है, इसके बगैर काम भी तो नहीं चलता ना। तो बस अभी मैं शामी फ्राई कर रही हूँ, और आलू वाले शामी बहुत अच्छे लगते हैं बचपन से ही। पहले तो होता था कि जब छोटे होते थे तो आलू वाले शामी बनते थे तो बड़ा ईद हो जाती थी कि आलू वाले शामी बन रहे हैं। अब तो एज़ अ स्नैक और एज़ अ बस ऐसे मजाक मजाक में बना के खा लेते हैं। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए अल्लाह ताला की नेमतों का, कि अल्लाह ताला ने नेमतें अता की हैं, बहुत शुक्र अदा करना चाहिए। और बस ये मैं फ्राई कर लूँगी, बहुत मज़े के बने थे। आप लोग भी अक्सर लोग बनाते हैं, बल्कि अब नहीं बनाते, याद नहीं रहता समटाइम ना, कुछ ऐसी डिशेज़ होती हैं जो याद नहीं रहती कि हाँ बनाई थी बड़े मज़े की, लेकिन याद नहीं रहती, वही टिपिकल 2-3 चीज़ें बन रही होती हैं। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, चाय के साथ भी बहुत अच्छे लगते हैं। और यहाँ पर सोनिया ने जो है ना आज मिस्सी रोटी बना रही है, हम नाश्ते में बना रहे थे तो मैंने छोटा सा क्लिप इसका बना लिया था साइड, मैंने कहा अच्छा मैं एडिट करके डाल दूँगी। तो वो क्योंकि कुकिंग सीख रही है तो उसको बड़ा शौक़ रहता है कि भाजी ये बना लूँ वो बना लूँ, तो मैंने कहा अच्छा चलो बना लिया करो। तो ये डाल रही है ज़ीरा और नमक और मिर्च, मिस्सी रोटी बना रही है जो बेसन वाली होती है,
और थोड़ा सा सब्ज़ी मसाला, क्योंकि मसाला बॉक्स में रखा वो भी उसने डाल दिया उसमें। और ये सब्ज़ी उसने काट ली थी, प्याज छोटे छोटे और धनिया मिर्चें, थोड़ा सा लहसुन, हालांकि मैंने लहसुन उसे नहीं कहा था लेकिन वो भी उसने डाल दिया है। मैंने कहा चलो ठीक है, लहसुन वैसे भी सेहत के लिए बहुत अच्छा है, तो बस यहाँ पे वो गूंद लेगी और आटा बना के रख लेगी। और तवा आप देख रहे होंगे, मेरा तवा काफ़ी गंदा हो रहा है और मुझे समझ नहीं आती कि मैं इस तवे का आखिर क्या करूं। इसकी लेयर बार बार उतर रही है, उतर रही है, उतर रही है, कभी ठीक हो जाता है, कभी ख़राब हो जाता है। इसकी लेयर्स जो है ना, वो उतरना बंद नहीं हो रही हैं। तो मुझे कोई बताएगा कि मैं इसका क्या करूं? किसी को पता हो तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। मैं 3-4 तवे जो है ना, वो चेंज कर चुकी हूँ लेकिन मुझे ठीक से कुछ जम नहीं रहा, कि मतलब ख़राब हो जाते हैं तवे, उनकी लेयर्स उतरना बंद नहीं होती हैं। तो बहुत मज़े की जो है ना बेसन की रोटी वो बन चुकी है। और ये जनाब आज का लंच है, मतलब संडे का लंच है, तो मैं आज ले आई थी कलेजी, फ्रेश कलेजी। तो मनाल का भी दिल कर रहा था और उसके बाबा का भी दिल कर रहा था, तो मैंने कहा चलो आज भुनी हुई कलेजी बना लेते हैं। तो कलेजी जो है ना, अभी मैंने मंगवाई है, तो छोटी छोटी मैं उसको काट रही थी, छोटा छोटा सा, क्योंकि काफ़ी ज़रा बड़े साइज़ में कलेजी अच्छी नहीं लगती, छोटी छोटी कलेजी अच्छी लगती है भुनी हुई। और मैंने ले लिया कढ़ाही, कढ़ाही में मैंने कलेजी मैंने डायरेक्ट उसमें डाल दी है। उसको मैं थोड़ा थोड़ा भूनूंगी और अदरक लहसुन का पेस्ट भी मैं साथ में डाल दूंगी। और मैंने अदरक लहसुन के साथ थोड़ी सी सब्ज़ मिर्चें भी साथ में मैंने कूट ली थी, उसके साथ मैंने अच्छी तरह से इसको भून लिया था। और मैंने प्याज और टमाटर जो है ना, उनको इकट्ठे मैंने ब्लेंड कर दिया था। दोनों चीज़ें मैं इसमें ऐड करूँगी, तो बस ये दोनों चीज़ें डालकर मैं इसको मैश करूँगी, क्योंकि प्याज मैं वैसे ही डाल देती लेकिन क्योंकि इसको ज़्यादा नहीं कुक करना चाहिए कलेजी को, वरना इसका जो ये बिल्कुल रबड़ टाइप सी हो जाती है ना, बहुत सख्त सी हो जाती है, इसलिए मैंने इसको ब्लेंड कर लिया था पहले से ही, प्याज और टमाटर को। बस इसी में ही जो है ना, ये जिसको जो इसी का पानी है उसी में पक के ये रेडी हो जाएंगे। और थोड़ी देर के लिए मैंने छोड़ दिया था ताकि इसका कच्चापन प्याज का और टमाटर का जो है ना वो ख़त्म हो जाए। और अब इसमें मैं डालूँगी स्पाइसेस, मैंने थोड़ा सा इसमें डाला है ज़ीरा, थोड़ा सा इसमें नमक, नमक हम लोग थोड़ा सा कम खाते हैं, और कुटी हुई मिर्च डाली है और हल्दी डाली है, थोड़ा सा सब्ज़ी मसाला डाला है और थोड़ी सी पिसी हुई मिर्च भी मैंने इसमें डाली है। थोड़ा सा स्पाइसी बनेगा लेकिन मज़े की बनती है। मैंने बकरीद पे भी बनाई थी और फिर अब बना रही हूँ। और जी ये बिल्कुल कलेजी जो है ना मेरी रेडी हो चुकी है। धनिया मैंने बीच में ही ऐड कर दिया था और अदरक उसका टमाटर और प्याज का अपने ही पानी में ये गल गया था, मैंने कोई एक्स्ट्रा पानी इसमें ऐड नहीं किया।
और थोड़ा सा इसको भूनूंगी ताकि इसका जो ऑयल है वो बस जैसे ऊपर आएगा तो मैं इसका चूल्हा बंद कर दूंगी। और कलेजी मैंने कटोरी में डाल ली है क्योंकि रोटी के साथ हम नहीं खा रहे, हम इसको वैसे खा रहे हैं। मेरे मियाँ और मैं साथ में, मैंने काफ़ी सारे खीरे भी काट लिए थे। तो यहीं तक था मेरा आज का वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। बाय बाय।